बड़ी खबर श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच जो क्रिकेट मैच है वो भी चल रहा है और मैच के दौरान स्टेडियम में भी प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात देखिए कैसे श्रीलंका में बन रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति आवास में ये प्रदर्शनकारी घुसे और ये ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा है और इस मैच के दौरान ही ये सारे प्रदर्शनकारी यहां प्रवेश कर चुके हैं स्टेडियम में। बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली ये तस्वीरें, एक तरीके से संकेत कि श्रीलंका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन अब खराब हो रही है। कर्फ्यू आज ही हटाया गया, कर्फ्यू था, कर्फ्यू में ढील दी गई और आज ही देखिए किस तरह की लोगों में नाराजगी कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, वहीं दूसरी तरफ इस स्टेडियम में भी ये लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर भी उन्होंने धावा बोल दिया। और ये सारी तस्वीरें तब हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहा है। स्टेडियम की तस्वीरें देखिए और किस तरह से लोग यहां पर घुसे हैं। आप देखिए कि ऊपरी हिस्से में बड़ी संख्या में हाथों में झंडा लिए, बैनर लिए और नारे लगाते हुए लोग पहुंचे और नीचे ग्राउंड पे ये मैच चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, नीचे की तरफ श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस ग्राउंड पे हैं और ऊपर आप देखिए यहां से वहां तक, आप हम तस्वीरों में जो दिखा पा रहे हैं यहां से वहां तक आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ राष्ट्रपति भवन पर कब्जा है प्रदर्शनकारियों का और दूसरी तरफ आप देखिए स्टेडियम पर भी इस तरीके से कब्जा, वहां भी भीड़, जबकि ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। मैच चल रहा है, वहां भी ये प्रदर्शनकारी आ गए। अब ये देखना होगा कि एक के बाद एक ये किन-किन जगहों पर जाते हैं, क्योंकि आज कर्फ्यू में ढील दी गई है और आज ही ये तस्वीर श्रीलंका से निकलकर सामने आई है। लगातार असंतोष श्रीलंका में लोगों के अंदर, वहां जो आर्थिक हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर नाराजगी और सरकार फेल रही है उसको कंट्रोल करने में। फिर सब तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए स्टेडियम की तस्वीरें जहां पर अंतरराष्ट्रीय मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच और ऐसे में ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे, ये बड़ी भीड़ पहुंची है। तो एक के बाद एक श्रीलंका से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें। भारत का पड़ोसी देश इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, आर्थिक संकट और उसकी वजह से एक अराजक स्थिति पैदा होती जा रही है जहां सरकार फेल हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हालात श्रीलंका में, और ये हालात जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इसके पीछे ये जो आज श्रीलंका की बदहाली है, जो स्थितियां हैं, उन सब के पीछे चीन की वो स्क्रिप्ट है जिसके तहत कर्ज का एक जाल तैयार किया गया और इसमें श्रीलंका फंसता चला गया। वहां के नेताओं को, वहां की सरकार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस राह पे निकले हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अपनी बात पूरी करिएगा, हमारी बात अधूरी रह गई। और एक सवाल इसमें यह भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये श्रीलंका के सबसे बड़े शहर की तस्वीर है, लेकिन अगर श्रीलंका के दूसरे हिस्सों की बात करें, वहां क्या स्थितियां और भी खराब है? देखिए, कमोबेश श्रीलंका के सभी जगह की स्थितियां खराब है, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी और लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि वो अपनी गद्दी छोड़ेंगे नहीं, जबकि अब जनता जो कि उनके घर घुस चुकी है और जिसकी वजह से उनको घर छोड़कर भागना पड़ा है सुरक्षा कर्मियों की मदद से, ऐसी स्थिति में अब उनके पास मुझे लगता है कि गद्दी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। लेकिन शायद ये भी उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि उनकी मदद कौन कर रहा है, उनकी मदद अगर आज की तारीख में कोई कर भी रहा है तो वो भारत जैसे देश कर रहा है, जो मानवीय सहायता के तौर पर हम तेल मुहैया करा रहे हैं, हम दवाई मुहैया करा रहे हैं, लेकिन किसी देश को पूरी तरह से अगर आप कहें कि मदद करना संभव नहीं है। नहीं, लेकिन मनीष खत्म हो चुका हूँ। मनीष, पाकिस्तान जैसा देश जो कंगाली की हालत में है, फिर भी उसको आईएमएफ की तरफ से, यूएस की तरफ से और तमाम दूसरे देशों की तरफ से आर्थिक पैकेजेस मिल रहे हैं, श्रीलंका के साथ क्या इशू है, क्या दिक्कत है? मनीष, देखिए श्रीलंका के साथ दिक्कत ये है कि श्रीलंका ने चीन के साथ बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट किए थे जो आज की तारीख में दुनिया की जो भी फंडिंग करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनको नागवार गुजर रही है और उनका कहना है कि जब तक वो ठीक है। मनीष, समय नहीं हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें ये अपडेट देने के लिए।